द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स पार्ट वन समी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके प्रयोग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है उन्हीं में से आज हम दो एडजेक्टिव्स ले रहे हैं सम और एनी इसी के प्रयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सम इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी इट इज़ यूज

इनि का प्रयोग हम निगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में करते हैं कुछ उदाहरण हम देखते हैं इससे काफी स्पष्ट हो जाएगा आई वांट सम ब्रेड आई विल बाय सम मैंगोस इन दो ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं इसलिए यहाँ सम का प्रयोग किया गया है uh, कुछ दूसरे उदाहरण लेते हैं आई डोंट वांट एनी ब्रेड आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज ये दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं इसलिए यहाँ एनी का प्रयोग किया गया है अब दो हम क्वेश्चन uh, वाले सेंटेंस uh, लेते हैं डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस हैव यू बॉट एनी मैंगोज ये दोनों क्वेश्चन uh, वाले सेंटेंस uh, हैं इस प्रकार हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सम का प्रयोग किया और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इनी का प्रयोग किया गया एक्सेप्शन टू द रूल सम इज यूज इन क्वेश्चन विच आर रियली ऑफर्स रिक्वेस्ट और विच एक्सपेक्ट आंसर यस अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में सेंटेंस में हम ईनी का प्रयोग करते थे लेकिन अगर क्वेश्चंस ऐसे हों जिनसे कोई ऑफर या रिक्वेस्ट का पता चलता हो या जिसका आंसर यस yes में होता हो तो वहाँ हम सम का प्रयोग करेंगे कुछ उदाहरण देखते हैं विल यू हैव सम आइसक्रीम क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे ये एक ऑफर है इसलिए यहां सम का प्रयोग किया गया है एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कुड यू लेंड मी सम मनी यह रिक्वेस्ट है इसलिए यहाँ सम का प्रयोग किया गया है एक और क्वेश्चन लेते हैं डिड यू बाई क्लॉथ्स इस क्वेश्चन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर यस yes में होगा इसलिए यहाँ सम का प्रयोग किए हैं नोट वनली यूज सम एंड एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स डोंट यूज सम और एनी विथ सिमुलर काउंटेबल नाउन्स एक विशेष बात सम और एनी के प्रयोग में हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही सम और एनी का प्रयोग होता है कभी भी सम और एनी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के साथ नहीं करते हैं कुछ उदाहरण हम देखते हैं इससे और क्लियर हो जाएगा सी वांट्स सम वाटर यह वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सम का प्रयोग किया गया है ही हैज रिसीव्ड एनी ई मेल्स येट यहां ई मेल्स प्लुरल काउंटेबल नाउन है एक और एग्जाम्पल देते हैं पॉल डजेंट हैव एनी कार यहां कार सिंगुलर countable नाउन है इसलिए यह सेंटेंस गलत है तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए फिर सही कैसे होगा पॉल ड हैव अ कार एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं सम और एनी का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं सिमुलर काउंटेबल नाउ नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं काउंटेबल नाउन आप जानते हैं काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं जिनकी गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है और जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम एनी ए एन निम्नलिखित तो वाक्यों को सम एनी ए या एन से जो उचित हो उसे भरें